रील्स बनाने के चक्कर में हो सकती है जेल। जी हां, हथियारों के साथ रील्स बनाना भारी पड़ेगा। राजस्थान पुलिस ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने वाली है। नकली हथियार के साथ रील्स बनाने पर भी एक कार्रवाई होगी, यानी कि हथियार भले ही नकली हो या फिर असली हो, अगर रील उसके साथ बनाई तो आपकी सजा पक्की है। हथियारों के साथ रील बनाने का इन दिनों जिस तरह से चलन बढ़ा है, एक फैशन स्टेटमेंट के तौर पर लोग अब असली नकली हथियारों के साथ रील बनाने लगे हैं। हर जगह पर, रोड पर, कहीं पर भी रील बनाने लगे हैं, लेकिन इस चलन को खत्म करने की कोशिश और जो बीड़ा है ये राजस्थान पुलिस ने उठाया। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार जुड़ गए। शिवेंद्र, ये बड़ी बात है कि हथियारों को प्रोत्साहित करना या फिर रील के जरिए उनका महिमामंडन करना, ये अब कम से कम रील्स में नजर नहीं आएगा और जो करेगा उस पर सजा है, फिर क्या पूरी जानकारी? बिल्कुल, ये बड़ी खबर है क्योंकि रील्स का चरण आजकल बहुत बढ़ रहा है और खुद को हीरो साबित करने के लिए, लाइक्स और व्यूज पाने के लिए बहुत से लोग हैं जो हथियारों के साथ भी रील्स बना रहे हैं। तो एक तो अगर हथियारों के साथ आप रील्स बनाते हैं और पुलिस की जानकारी में वो आता है, कोई शिकायत करता है या पुलिस का जो सिस्टम है वहां तक वो चीज पहुंचती है तो कार्रवाई की जाएगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि नकली हथियार के साथ भी, क्योंकि नकली हथियार बहुत खिलौने टाइप मिलते हैं कई दुकानों पर, और इसके साथ अगर आप हीरो बनने के लिए रील बना रहे हैं तो उस पर भी आपको जेल जाना पड़ेगा, उस पर भी पुलिस सख्त कार्रवाई लेगी। इस तरीके के निर्देश राजस्थान पुलिस ने जारी किए हैं कि अगर हथियारों के साथ, चाहे वो असली हथियार हो या नकली हथियार हो, उसके साथ अगर आप रील्स बना रहे हैं तो पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। क्योंकि जो रील्स का काम है, इसमें हथियारों के साथ रील्स का चरण बहुत बड़ा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर वो हथियार दिखाकर रील्स बनाएंगे तो ज्यादा लाइक्स आएंगे, पॉपुलर होंगे सोशल मीडिया पर। लेकिन ऐसे लोगों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि अब अगर हथियार के साथ आप रील्स बना रहे हैं, चाहे वो नकली है असली, पुलिस कड़ी कार्रवाई करे। बिल्कुल शिवेंद्र, और कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी कि अब इस तरह के फेक चलन खत्म किए जाए, और अच्छी पहल। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।